दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। शीतल जी कहते हैं, मेरे पास एक जाफरी का प्लांट है, जाफरी मैरीगोल्ड का, और उस पर बर्ड्स काफी हैं लेकिन उसके जो लीव्स हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अब जो सीजन है, अगर आपने सर्दियों वाले जाफरी की बात कर रहे हैं तो हो सकते हैं प्लांट का जो टाइम है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम वाटरिंग की हो सकती है। आप मुझे प्लांट की फोटो दिखा दीजिएगा। सोनी जी कहते हैं, हमारे पास अर्जुन का पौधा है, 4 फुट लंबा, 2.5 इंच मोटा, 14 इंच के गमले में है। फरवरी में अर्जुन की 2 फीट कटिंग कर सकते हैं क्या? शेष 2 फीट को दूसरे गमले में लगा सकते हैं क्या? देखिए, कटिंग से ज़्यादा अच्छा होगा आप उसको एयर लेयरिंग करें, क्योंकि कटिंग में कुछ चांस ऐसा होता है कि आपकी कटिंग ग्रो करे या ना करे, लेकिन एयर लेयरिंग में अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और एयर लेयरिंग अगर आप करें तो बारिश के सीजन में करना। मोहम्मद जी कहते हैं, मेरे इंग्लिश रोज़ की जो लीफ हैं होके गिर जाती है और लीफ मुड़ जाते हैं। देखिए, हो सकता है जो काली लीव्स हो जाती है तो उसका एक कारण हो सकता है फंगस, और लीफ मुड़ जाती है उसके लिए आप एक्सेल्स आप डाल सकते हैं। यूपी वाले कहते हैं, हाइब्रिड मैरीगोल्ड सीड्स को कैसे कलेक्ट करें? देखिए, जैसे मैंने आपको जो गेंदा कलेक्ट करना बताया था सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। देखिए, अंगूर की बेल आप लगा सकते हैं। रुखसानी जी, आप गोभी को भी लगा सकते हैं पोट में। शिवम जी कहते हैं, क्या मैं घर पे गुलाब लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कांटे होते हैं तो घर पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपके घर वालों की सहमति से आप लगाइएगा। दीपाली जी, मैं फूल गोभी का जो अपडेट है वो आपको दिखा दूंगा। अमृत जी, गिव अवे का रिजल्ट जो है वो मैं दे चुका हूँ, वहीं पे आप चेक कर लीजिएगा एफबी की पोस्ट पर। रमेश जी, आप पीले गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। साहिल जी, जैक फ्रूट और लेमन को ग्राफ्ट करने का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। संतोष जी कहते हैं, मेरे गुलदावरी के प्लांट में फ्लोरिंग नहीं हुई है तो क्या उसकी भी मैं कटिंग कर दूँ? हाँ जी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको उस पर बर्ड्स दिख रहे हैं तो अभी रुक सकते हैं, क्योंकि फरवरी का मंथ अभी सर्दियों का ही है। कुंदन जी कहते हैं, हिबिस्कस की कटिंग लगाई है, क्या उनको पॉलीबैग से कवर करना है? हाँ जी, आप कवर कर सकते हैं अगर वहाँ पे ठंड है तो। ईशा जी कहते हैं, मैं कश्मीर में हूँ और यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम है, तो फरवरी में अगर कटिंग लगाऊँ तो क्या उसको कवर करना होगा? हाँ जी, आपको उसको कवर करना होगा। रेहान जी, देखिए, जो गर्मियों के फूल को प्लांट्स हैं उनका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो आप चेक कर लीजिए। पुष्पा शर्मा कहते हैं, मेरे चमेली के प्लांट में फूल नहीं आते। देखिए, आप गर्मियों में उसमें फ्लोरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। शमी जी कहते हैं, एप्सम सोल्ट मिल रहा, क्या मोटा नमक होता है जो हलवा यूज़ करते हैं? नहीं जी, वो नहीं होता है, एप्सम सोल्ट अलग होता है जिसमें मैग्नीशियम होता है, ये आपको सीड्स की शॉप पे पता करना होगा। अंजुल जी कहते हैं, विनर कौन है गिव अवे का? देखिए, गिव अवे का विनर जो मैंने पोस्ट आपको बताई थी उस पोस्ट पे जाइए, वहीं पे आपको मेरे पेज मम्मल बोनसाई पेज पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। मिर्च के प्लांट कितने इंच के पॉट में लगाएं? देखिए, मिर्च का प्लांट जो सीडलिंग है वो तो आप छोटे पॉट में करें, बाद में प्लांट को आप 8 इंच पॉट में लगा सकते हैं। बलवंत जी, पाम ट्री की अगर ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो उसमें एनपीके फर्टिलाइजर आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, बाकी इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है। आलसा कहते हैं, भैया मेरा जैस्मिन का फ्लोर एक बार भी नहीं हुआ, क्या करें? देखिए, जैस्मिन के अंदर अब जो ग्रोथ है स्टार्ट होगी और जो फ्लोरिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। धर्मेंद्र जी कहते हैं, जेड प्लांट अभी ग्रो कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप इस टाइम पे जो जेड है वो ग्रो कर सकते हैं। अमन जी कहते हैं, मेरे गुलाब के प्लांट को बंदर ने नोच दिया, फिर मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, अगर उसकी रूट्स डैमेज हो गई होगी तो प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। विभोर कहते हैं, मेरे चंपा के पत्ते गिर गए हैं, क्या उसको कटिंग से लगा सकते हैं? हाँ जी, आप कटिंग से लगा सकते हैं, पत्ते आपके दोबारा से आ जाएंगे। शेख जी कहते हैं, भैया जी मेरे पास चीकू का प्लांट है, जमीन में लगाया हुआ है, 6 मंथ हुआ है, वहाँ पे सनलाइट आती है, तो उसको अभी पॉट में लगा सकता हूँ क्या? कितने इंच के पॉट में लगाऊँ? रिपोर्टिंग में गोबर के क्या क्या डालूँ? देखिए, अगर आपने जमीन में लगा रखा है तो अच्छा होगा, जमीन में ग्रो कीजिए उसको। वविस्टिन कितना यूज करना है? आशीष जी, वविस्टिन आप एक पॉट के अंदर हाफ स्पून जो है यूज कर सकते हैं। बरेक जी कहते हैं, सर मैं एक रोज की कटिंग लगाया था, पता नहीं ग्रो होगा या नहीं, लेकिन उसमें एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा आ गया है जिसकी वजह से जो पत्ते हैं येलो होना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? देखिए, आप इस पे जो कीटनाशक दवा है उसका स्प्रे कर दीजिए या नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए। हर सिंह कहते हैं, क्या फरवरी में जो पपीता के सीड्स हैं वो लगा सकते हैं? हाँ जी, 15 फरवरी के बाद आप इसके सीड्स लगा दीजिए। मीनाक्षी जी, मैं हरियाणा से हूँ। राकेश जी, एनपीके 19:19 आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ प्लांटों में अलग रेशो भी ले सकते हैं। नीरज जी कहते हैं, गुलाब की बेलें डेली में लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर आप डेली से हैं तो डेली में भी जो गुलाब जो बेल वाला गुलाब आता है वो आप लगा सकते हैं। ताशा जी कहते हैं, फ्रूट्स आने लगे तो किस टाइम पे एनपीके स्प्रे कर सकते हैं? देखिए, एनपीके फ्रूटिंग से पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप फरवरी से आप जो एनपीके वो स्टार्ट कर सकते हैं। भूपेंद्र जी कहते हैं, एलोवेरा और स्नेक प्लांट की वाटरिंग कब करनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें?
देखिए प्लांट के अंदर ऐसे ये ऐसे प्लांट है, इनको आप वाटरिंग कम कीजिए, तो आप इनके अंदर पानी कम दीजिए, जब आपको सोइल लगे ड्राई है तभी दीजिए, ये नहीं कि पहले उसमें पानी है फिर भी आप पानी डाले जाएंगे तो उसकी जो रूट्स है वो सड़ जाएगी और प्लांट आपका मर सकता है। अरुणा जी कहते हैं एप्पल के पेड़ में और काली मिर्च के पेड़ में कौन सी खाद डालनी चाहिए। देखिए आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, आप फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। मयूरेश कहते हैं आप क्लाइंबिंग प्लांट को सपोर्ट देने के डिफरेंट आइडियाज पर वीडियो बनाइए। हाँ जी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों आज के सवाल का जवाब हम दे दिए, कल नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।